गाइस करण खन्ना आ गया, गेट रेडी फॉर द टेंट्रम। आज भी पीकर आया होगा, आज तो हमारे पास भी इसके लिए सरप्राइजेस हैं। कैम टू गो क्लोज ऑन करण खन्ना स्पेस फास्ट। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी सीट थर्ड रो में रिजर्व की है। Don't throw a tantrum. It's the moment they're waiting for. Smile. Smile. Yeah, sponsors ya koi. Okay, I get it. Hamara agla honor hai best actor popular ke liye. And let's have a look at the nomination. Ranbir Kapoor, Akshay Kumar, Saif Ali Khan, and Vivek Oberoi. Moved my nomination. Why the hell did we come here? This is an insult. Sab teri galti hai, I swear. Yes! Got it, man. Cut it, cut. Ye clip ko side mein rakh. हर साल जब अवार्ड्स की सेल लगती है ना, मैं एक या दो अवार्ड्स खरीद ही लेता हूँ। इस बार थोड़ी सी देर हो गई थी, बट नो बिग डील, देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट ईयर। तू कहाँ जा रहा है करण? प्लीज डोंट डू दिस, कम ऑन करण। चांसेस कि आपके बगीचे में एक एलियन उतर जाए। चांसेस कि एलियन आपके घर की घंटी बजाए और बोले, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम कहाँ है? क्या चांस कि उसको आपके बाथरूम के सिंक में एक टूटा हुआ बाल दिखे? जीरो, क्योंकि अगर आप ओमकार का विशिष्ट कुमारी तेल इस्तेमाल करेंगे तो एक भी बाल टूटे ये पॉसिबल नहीं। ये एलियन को बाल क्यों मिलता है? हीरो मैं हूं तो बाल मुझे मिलना चाहिए ना। सर आप ऋतिक रोशन हीरो और वो जादू है एलियन। मैं पीके वाला आमिर खान क्यों नहीं हो सकता? उसमें एलियन भी वही है, हीरो भी वही है। व्हाई कांट आई बी लाइक दैट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तुमने स्क्रिप्ट अप्रूव की? यार दिस इज क्रैप। सॉरी, नो ऑफेंस। आई नीड मोर मनी फॉर स्टफ लाइक दिस। यार वो बात ऑलरेडी हो चुकी है। दिस इज नॉनसेंस विशाल। वन हिट फिल्म इज ऑल दैट्स नीडेड और ये सब कुछ बंद हो जाएगा। आई मीन कम ऑन विशाल, डोंट यू एग्री विद मी? क्या मजाक? आप अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस, लव यू ऑल। सर सर सर, बाय। नाम करण खन्ना, एक जमाने के सुपरस्टार, पिछले 3 साल से फ्लॉप अभिनेता, फिलहाल आटा तेल चड्डी के विज्ञापन करते हैं। वैवाहिक स्थिति तलाकशुदा, उम्र किसी को पता नहीं। वो देख, त्रिशा की शादी का कार्ड। ये क्या? सिंगल मॉडल, क्वाड्रुपल मॉल लग रहा है। व्हाटएवर यार, जस्ट लुक एट दिस। शादी तय कर दी, मुझे बताया भी नहीं, बस कार्ड भेजा एक। तू जा रहा है? पता नहीं, आई डाउट इट। वैसे भी शादी बॉम्बे में नहीं। चल यार। अम्मा शादी का टॉपिक छोड़ो अभी। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना अम्मा, तुम्हारी जैसी नारियल चटनी बना ही नहीं पाती मैं। अच्छा सुनो, तुमने नाश्ता कर लिया? हाँ अम्मा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ तुमने नाश्ता किया या नहीं, और तुम मुझसे कह रही हो कि तू शादी क्यों नहीं कर लेती? I mean, what's the connection? लड़का है, इडली नहीं जो आसानी से मिल जाए। अम्मा अम्मा अम्मा, एक मिनट, देखो अगर मेरी शादी होनी होगी ना तो अपने आप हो जाएगी, लड़का भी अपने आप आ जाएगा, और नहीं होनी हुई कितनी भी कोशिश कर ले
नहीं होगी, ओके? तो उसके लिए स्ट्रेस होना छोड़ो अब। अम्मा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? अरे अम्मा, ऑटो ही नहीं मिल रहा है और ये सड़क पे ना इतनी कीचड़ है, मैं आपको क्या बताऊँ, मूड खराब हो जाता है मेरा सुबह सुबह देख के। ऑटो अम्मा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आदमी मुझे एक बार दोबारा मिल जाए बस। मैम, क्या हुआ? बेटा हुआ है, बेटा, लेकिन मुझे नहीं, किसी और माँ को, और वो भी सालों पहले। और अब उस माँ ने उस बदतमीज बेटे को एक कार दे दी है, वो लोगों पे कीचड़ उछालता है। मैंने अपने फोन में ना उसकी कार का नंबर प्लेट पिक किया है। When I'm done with him, he'll have a story to tell. कोई और जो अपनी कहानी, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहता है? देखिए, आप लोग जो कुछ भी हमें बताएंगे वो यहीं रहेगा, इस कमरे के बाहर नहीं जाएगा। सो प्लीज फील फ्री टू शेयर इट, एनीथिंग। आप कुछ कहना चाहते हैं आकाश? टेल अस। 18 साल की उम्र में मैंने पहली बार गांजा का नशा किया था, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई। मैं उस ब्रेकअप से रिकवर ही नहीं हो पा रहा था। उसी दौरान मैं गलत लोगों की संगत में आ गया और ये कुछ करते बैठा। मैं इस सब से बाहर निकलना चाहता हूँ। आप इससे बाहर निकल सकते हैं आकाश, बस आपको ये समझना है कि ये जो नशे की लत है ये आपसे चिपकी नहीं हुई है, आप इसे चिपके हो और इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। बस थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल, विल पावर, यही चाहिए। नाम डॉक्टर त्रिपुरा सुंदरी नागराजन, नशा मुक्ति केंद्र की डॉक्टर, शराब सिगरेट एवं अन्य नशों से मुक्ति कराने में 100% सफल। वैवाहिक स्थिति अविवाहिता, उम्र 34 साल। हाँ शरी, इट्स सैटरडे नाइट बहन, कहाँ है तू? आज सैटरडे है तो मैं घर जा रही हूँ, मुझे चादर और पर्दे भिगोने हैं ना। चादर पर्दे तो तू भिगोती रहेगी, पर तेरी ड्राई बोरिंग जिंदगी का क्या? यार शरी, 10 बज रहे हैं, इस वक्त कौन बाहर निकलता है? या एग्जैक्टली, यू आर राइट, 11:30 बजे के पहले ऐसे भी कौन बाहर निकलता है? मैं बहुत थकी हुई हूँ यार, मुझे बहुत नींद आ रही है, लोखंड वाला। अरे But I believe in early bird catches the worm. Come on, yeah. Saturday night hai. Let's have some fun. हाँ तो क्या हुआ? Night तो है ना? ये माँ और मेरी माँ सगी बहन है। इस बार में मैं सबसे hot लड़की हूँ और 4 drinks down हूँ। और अगर इस हालत में तू मुझे अकेला छोड़ना चाहती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कौन होती हूँ बोलने वाली? शेरी, God. Rick, Rick. Lord. करण खन्ना आ गया, गेट रेडी फॉर द टेंट्रम। आज भी पीकर आया होगा, आज तो हमारे पास भी इसके लिए सरप्राइजेस हैं। कैम टू, गो क्लोज ऑन करण खन्ना स्पेस, फास्ट। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी सीट थर्ड रो में रिजर्व की है।
Don't throw a tantrum, don't throw a tantrum. It's the moment they're waiting for. Smile. 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 Yeah, sponsors ya koi. Okay, I get it. Hamara agla honor hai best actor popular ke liye. And let's have a look at the nomination. Ranbir Kapoor, Akshay Kumar, Saif Ali Khan, and Vivek Oberoi. They removed my nomination. Why the hell did we come here? This is an insult. Sab teri galti hai, I swear. Yes! Got it, man. Cut it, cut. Ye clip ko side mein rakh. हर साल जब अवार्ड्स की सेल लगती है ना, मैं एक या दो अवार्ड्स खरीद ही लेता हूँ। इस बार थोड़ी सी देर हो गई थी, but no big deal, there's always next year. तू कहाँ जा रहा है? करन, please don't do this. Come on. करन. हाँ विशाल बोलो प्रॉब्लम हो गई करण अवार्ड फंक्शन छोड़ के चला गया व्हाट विशाल यू हैव टू हैंडल करण तुम्हें पता है ये कितना बड़ा पीआर फियास्को होने वाला है अरे हमें अवार्ड प्रॉमिस किया था कि करण का नाम नॉमिनेशन में भी नहीं था अभी ही लॉस्ट इट ऑल ऑफ अस नो हाउ अवार्ड फंक्शंस आर हाँ जो करण ने अभी जर्नलिस्ट को बता दिया व्हाट जस्ट हैंडल इट ओके प्लीज करना ही पड़ेगा Yes, what do you want? You are the man. Pata kaise? 25 years. 15 golden jubilees, 11 platinum jubilees. Tumne itne sare 100 crore clubs banaye na? Ye ek choti si country ki economy usse chal jaye mere bhai. You, my friend, are a superstar. Yeah, except for the last 3 years, Vishal. Please mat kar yaar. Bahut problem ho jayegi. यार मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए मैं वैनिटी के अंदर छुपा हूँ अब तुझे पता चला मेरी जिंदगी क्या है It stinks. मेरे नाम पे अवार्ड शोज बेचते हैं ये लोग। I was on all the hoardings. और मेरा नॉमिनेशन ही हटा दिया। You know, Karan. विशाल, please यार, for God's sake, दिमाग मत खराब कर यार। Bye. क्या हुआ? रोका क्यों? मैडम आगे एक्सीडेंट हुआ है। Oh God. अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया कैसे गाड़ी चलाते हो केके 001 लाइसेंस किसने दिया तुमको बाहर निकलो दारू पी के गाड़ी चलाता बाहर निकल जल्दी बाहर निकल हेलो सर मैं चर्च रोड से बोल रही हूँ यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है सर ड्रंक ड्राइविंग नहीं चोट ज्यादा नहीं लगी बट इट्स एन एक्सीडेंट क्या हो गया भाई हेलो अरे यार सुपरस्टार है वो क्या हो गया यार ओह सॉरी यार गलती हो गई सर कोई बात नहीं कोई बात नहीं सर कोई बात नहीं करण खन्ना ये एक्टिंग पन्ना रहा मिस्टर ना रियली यू फाइंड दिस सो फनी बॉस ही सो क्यूट अरे यार ये खूबसूरत हाथ से दूसरों के साथ ही क्यों होते हैं 10 साल से एक शहर में रह रहे हैं गाड़ी ठोकी किसी और की और देखा तूने और मैं सोच रही हूँ कि मैंने क्यों देखा I mean I'm so disgusted पता कैसे बिहेव कर रहा था ये देख एक्सीडेंट किया इसने और सेल्फीज खिंचवा रहा है ये
No shame at all. He's so handsome. No, you know what? ये stars को ना हम ही लोग सर पे चढ़ाते हैं और इसीलिए वो लोग ऐसे behave करते हैं. Spoiled brat. मुझे एक बात बता. तूने उसको कितनी बार से देखा? Rumor has it that he's really big. हाँ, तू खुद देख ले. I mean, he's this big. मतलब size of an island यार. You know what I'm talking about, right? What? That. What that? That. Ayyo. Sherry, she. Oh, she. You're so boring. I know. Now you're going to say boring tipsy, predictable tipsy, safe tipsy. Darling. Exactly at this point of time, you can tell me what's in your bag. Hmm? An apple, a hand sanitizer, mint ka dabba, 5,000 rupees, and 200 rupees ka change. Proof karo. It's okay. Tipsy, tune socha thi life mein iske alawa aur bhi kuch ho sakta hai? Par nahi. Tu ghar jayegi, darwaza kholte hi apni chappal utar kar shoe rack mein rakhegi. Upar se second shelf mein. सी, तेरी लाइफ में चप्पल तक की नहीं जगह नहीं बनती, इंसानों की तो बात ही मत कर। फिर तो अपने क्लासिकल संगीत की सैटरडे वाली सीडी हटाकर संडे वाली सीडी सुनेगी और अपने कुशन्स को झाड़ पोंछ के सोफे पे लगाएगी। किताबों के रैक में अपनी एनसाइक्लोपीडियाज को एक बार फिर से अरेंज करेगी और उसके बाद तू अपना लैपटॉप खोलेगी और दुनिया में घूमने लायक 10 बेहतरीन जगह गूगल करेगी, फिर उसमें से एक जगह का वॉलपेपर बनाएगी और तब तक तेरी फिल्टर कॉफी ब्रू हो चुकी होगी। तू टीवी के सामने अपना डिनर और कॉफी लेकर बैठेगी, मेरी अम्मा को फोन लगाएगी, स्पीकर पर रखेगी और फिर तुम दोनों मेरी अम्मा का फेवरेट सीरियल साथ साथ देखोगे। उस सीरियल में हीरोइन का रोमांस भी हो गया, शादी भी हो गई, डिवोर्स भी हो गया, लेकिन तेरी लाइफ में कुछ आगे नहीं बढ़ा बहन। टीवी बंद करके दीवार पर लगे उन 124 लोगों की फोटो देखेगी जिनके नशे की लत छुड़वाकर तूने उनका उद्धार किया है। सोचेगी अब वो कितने खुश होंगे अपनी फैमिली के साथ। लेकिन तेरी फैमिली का क्या बहन, तेरे साथ कौन है? फिर उन फोटोज को देखकर मुस्कुराएगी क्योंकि तेरा प्रोफेशनल सक्सेस रेट 100% है, लेकिन तेरी पर्सनल लाइफ का सक्सेस रेट क्या है? 0। मशीन है तू, मैथ्स का टेबल है तू, रिकॉर्डेड मैसेज है तू। तेरी लाइफ के 365 दिन एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी होते हैं। तेरा बीता हुआ कल आज जैसा है और तेरा आने वाला कल भी आज के जैसा ही होगा। बहन, तूने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि खुशियां भी तुझे कॉल करते हुए डरती है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली उससे भी एक ही मैसेज आएगा। जिस व्यक्ति से आप संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। करण, 4 घंटे से फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें। पहले तो तुमने मेरा फोन उठाया नहीं, and now you're not reachable। थमाले करण, डरा दिया तुमने मुझे। तो मेरे फोन के स्टेटस अपडेट के लिए तुम रात के 1 बजे मेरे घर आई हो। कल हिरानी के साथ तुम्हारी मीटिंग है। 3 महीने से तुम ये फिल्म के लिए ट्राई कर रहे हो और ये हाल है तुम्हारा। ये तुम्हारा 40th ड्रिंक होगा ना? 41st। मुझे देख लिया तुमने, मैं ठीक हूँ, जिंदा हूं, अब घर जाओ। चीयर्स। तुम्हें पता है बरेली में एक आदमी मर गया, बिल्कुल अकेला था, ना फैमिली थी उसकी ना दोस्त। 7 दिन तक लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। फाइनली जब लोगों को पता चला, दरवाजा तोड़ा उन्होंने और पता है क्या देखा? उसका भूखा कुत्ता उसके बॉडी को नोच नोच के खा रहा था। इसीलिए मैं कुत्ता नहीं पालता। मजाक, अरे इतनी बड़ी फिल्म है, थोड़ा सा तो सीरियसनेस दिखा दो। मीटिंग के एक रात पहले तुम इतना पी रहे हो, कैसे मिलोगे तुम हिरानी को? कैसे मिलूंगा मतलब, अरे दिल से मिलूंगा, खुल के मिलूंगा, दोस्त है वो मेरा यार। करण, हिरानी तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो सिर्फ एज एन एक्टर तुम्हें रिस्पेक्ट करता है। इनफैक्ट विशाल और मेरे सिवाय तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है। तुम इतने अकेले हो चुके हो करण कि जब तुम फोन नहीं उठाते तो आधी रात को तुम्हारी पब्लिसिस्ट को आना पड़ता है ये देखने के लिए कि तुम जिंदा भी हो या मर गए हो। गलती तुम्हारी है करण, जो दोस्त है
उन्हें तो तुम पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल करते थे। वो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुम्हारी फैमिली उससे भी पहले तुम्हें छोड़कर चली गई। और अब तुम त्रिशा की शादी में भी नहीं जाना चाहते। तुम कल अकेले थे, आज अकेले हो। और अगर तुमने अपने करियर को सीरियसली नहीं लिया ना, तो आने वाले कल में भी तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे। कल किसने देखा है शेर? हो सकता है आने वाला कल आज से बिल्कुल अलग हो। कल सब बदल जाएगा करण, बस एक ही फिल्म की बात है। मुझे यकीन है कल कुछ अच्छा ही होगा। एक बार मैं हिरानी की फिल्म साइन कर दूं, करण खन्ना विल बी बैक। कह रहा है मुझे जी जरा खाब सजा।